अस्सलाम वालेकुम जी जी, आज हम बना रहे हैं, सुबह के टाइम है और बच्चों ने स्कूल जाना है, तो इस वक्त हम बना रहे हैं पराठा और चाय। चाय है सिर्फ बड़ा बेटा पिएगा, छोटे को तो दूध दूंगी। चाय मेरी तैयार हो गई है, तो अब मैं एक उसके लिए पराठा बनाऊँगी। ये मैंने रोटी बेल ली है, दो पराठे बनाती हूँ, एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए बनाती हूँ। अभी मुश्किल हो जाता है एक हाथ से काम करना और फिर इसको भी कंप्लीट करना। अभी चाय में शक्कर वाली बनाऊंगी। ये देखिए मैंने शक्कर इसमें डाल दी है, ये दो चम्मच। ये चाय हमारी तैयार हो गई है। अभी मैं पराठा बेल के तो तवे पे डाल दी थी जी। व्यवस्थ देखिए मेरा पराठा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, कितना मज़े का। और दूसरा पराठा जो है वो मैंने बेल के रख लिया, क्योंकि एक हाथ से मुझे मोबाइल पकड़ना होता है, एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ। तो ये मेरा पराठा तैयार है। अब मैं एक सेकेंड के लिए स्किप करूँगी ज़रा, फिर उसके बाद दूसरा पराठा तवे पे डाल के फिर मिलते हैं जी। जनाब ये दूसरा पराठा हमारा तवे पे आ गया। चाय हमारी रेडी है। इसको घी लगाएंगे और ये देखिए चाय भी तैयार हो गई है। चाय और पराठा बच्चों के लिए तैयार है। अब दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं। जैसे तैयार होगा बच्चे खा के स्कूल चले जाएंगे और हम बाकी काम करेंगे दिन का। आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि साग गोश्त बनाऊँ या साग फ्राई कर लूँ, कुछ भी देखते हैं। या बच्चों से पूछते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि उन्होंने जो खाना है वही बनेगा, अगर कुछ और बना ले तो वो खाते नहीं हैं। जी जनाब हमारा नाश्ता रेडी हो गया, दो पराठे हमारे बन गए। अब ये देखते हैं अचार लेंगे या सिर्फ चाय चाय के साथ में खाएंगे। मैं नाश्ता। प्लीज़ व्यूअर्स, अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सलाब जदगान के लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी परेशानी आसान फरमाए और उन मुश्किल से निकलने का हल को जल्द से जल्द निकले और बेघरों को घर मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अल्लाह हाफिज़। ये जनाब चिड़िया का दाना ख़त्म हो गया था, वो मैंने बाजरा मंगवाया है। अब इसे मैं इस बॉटल में डाल के, इसमें जार में डाल के सेव करके रखूँगी। फिर मैं आपको सेव करके बताती हूँ जी। ये देखिए जी, ये मैंने जार में डाल दिया, जार में भी डाल दिया और थोड़ा सा ये देखिए माशाल्लाह सारी स्लैब पे भी गिर गया, क्योंकि एक साइड से कोशिश कर रही थी कि मैं मोबाइल पकड़ूं और दूसरी साइड एक हाथ से मैं शॉपर से उसमें डाल रही थी, वो मिसिंग हो गया सारा ये दाना। अभी इसको इकट्ठा करके जार में डालूंगी। ये मैं
सारा उठा के जार में डालूंगी सारा। ये मेरे से सारा गिर गया। बड़ा मुश्किल है स्टैंड के बगैर काम करना, लेकिन अभी इतना है नहीं कि मैं ना स्टैंड परचेज कर सकूं, तो इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह वो भी अगर आपका साथ रहा तो। आप लोगों ने ही हमें आगे लेके जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, क्योंकि आज अगर नहीं काम करना होता तो आप कमेंट्स भी किया करें प्लीज़, और मुझे बताया करें कि मैं क्या करूं, क्या क्या चीज़ें बनाऊं, या कहां कहां से क्लिप लिया करूं कि जो आपको पसंद आए। अब ये मैंने इसमें डाल देना है, ये मेरा सेफ हो गया। डेली बेटे को सुबह के टाइम देती हूँ, छत पे चिड़ियों को खाना दे आई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाँ जी आज हम बना रहे हैं अरवी। ये देखिए प्याज मैंने ऊपर रख ली है, अरवी मैंने धो के नमक लगा के अच्छी तरह साफ कर ली। ये बदतमीज़ बच्ची हमारे घर में एक आई हुई है, कह रही है वीडियो नहीं बनानी, मोबाइल मुझे दे दे, मैंने टिकटॉक देख रहा है, इस वजह से शोर कर रही है। और ये साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है जी। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छी तरह अगर आप ब्राउन करेंगे, ये खुशबू बड़ी मज़े की आती है लहसुन का पेस्ट हम डालते हैं ना। हाँ जब इसमें मैंने डाली है एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच नमक इसमें ऐड किया, साथ इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगा। मसाला फ्राई करेंगे, जी अरवी को मैंने धो के अच्छी तरह ये रखा था नमक लगा के, अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया, इसकी वो जो अंदर से लेस होती है वो ख़त्म हो गई है। कुछ लोग इसको पहले घी में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया, कुछ वो फ्राई करते हैं, मैंने फ्राई नहीं किया, मैं सिर्फ मसाला फ्राई करके तो उसमें इसको अच्छी तरह से भून के तो बाद में पानी लगाऊँगी, फिर जब जितनी ग्रेवी चाहिए होगी उतनी मैं इसमें रख लूँगी। ये सारा मेरा फ्राई हो रहा है। मैंने दो टमाटर ऐड किए हैं, जी ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो गया,
अच्छे से व्यूवर्स, हमारा सालन तैयार हो गया है। धनिया डाल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। प्लेट कर दी अपनी। ये हमारी साथ ही रोटी भी बन गई है। ये हम सालन निकाल रहे हैं। मैंने ग्रेवी वाला बनाया है क्योंकि बच्चे दूसरा खाते नहीं है। जी व्यूवर्स, तो हमने ये सालन तैयार हो गया है, साथ ही रोटी भी बन गई ताज़ा, और ये प्लेट लगा दी हमने खाने के लिए तैयार। अल्लाह हाफिज़।